ओके तो ये हमारे पास बायो इनर्जेटिक्स के की पॉइंट्स है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास वीडियोस थे वो हमने सेल स्ट्रक्चर के की पॉइंट्स थे वो किए थे। फर्स्ट है कि बायो इनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ, ये किस चीज की स्टडी है? इट्स द स्टडी ऑफ इनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। द मेन सोर्स ऑफ इनर्जी मेंटेनिंग ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज, अब आपको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, एटीपी, सनलाइट, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? सनलाइट है इसका। प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड द एनर्जी इज सप्लाइड बाय, सनलाइट सप्लाई करता है ना एनर्जी। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज वेवलेंथ के साथ, एनर्जी का क्या रिलेशन है वेवलेंथ के साथ? एनर्जी जो होती है ना वो इनवर्सली रिलेटेड होती है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेंजेस फ्रॉम अबाउट, तो 390 नैनोमीटर से 460 नैनोमीटर है, ठीक है, सॉरी 760 नैनोमीटर है विजिबल स्पेक्ट्रम। हाउ मच लाइट ऑफ सन इंटर अर्थ एटमोस्फेयर, तो 40% होता है और फ्रैक्शन फिर वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है, 40% है, बिल्कुल बुकलाइन है। और फिर आपके पास है द डेंजरस एंड हाई एनर्जी वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्क्रीन बाय, तो उनको कौन स्क्रीन करते हैं? ओजोन लेयर और क्लोरोफिल्स ऑब्जर्व, क्लोरोफिल क्या ऑब्जर्व करता है? वायलेट ब्लू, रेड हो गया, इनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए है वो आपके पास। क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन, क्लोरोफिल बी आपके पास स्किन में पाया जाता है, ऑल हायर प्लांट एंड ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल सी डी ई ये किन में पाए जाते हैं? ये आपके पास फिर एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज फोर, क्या होते हैं फोर? इनके पास फोर पायरोल रिंग होते हैं एंड कलेक्टिवली कॉल्ड, फिर इनको पोरफिरिन कहते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज पोलर, हेड जो होता है वो पोलर होता है। क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी का अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये आप सभी को कितने एमसीक्यूज है, ऑप्शन ये आप लोगों को दे सकते हैं, हर एक एमसीक्यूज है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फार्मूला है ना वो आपके पास क्या है? C55 H72 O5N4Mg। अब ये एक आप याद कर लें, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी में क्या होता है? उसमें तो एल्डिहाइड होता है ना, तो कार्बन तो सेम है बट उसमें एक एच हो जाता है, तो क्लोरोफिल ए में तो मिथाइल है उसमें तीन एच है, तो एक एच और तीन में डिफरेंस क्या है? दो का, तो इसका एच 70 हो जाएगा, C55 वही होगा, ठीक है। C55 उधर क्या होता है? एल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, तो इधर O6 हो जाएगा, N4Mg, वो तो बाकी फिर सेम होते हैं, ठीक है। और द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर और सीवेज, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन किससे आता है? ये तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, वाटर से ही आपके पास आता है, ठीक है। इन डैश व्हेन नील प्रपोज दैट प्लांट स्प्लिट डैश टू रिलीज ऑक्सीजन, तो किस में किया था, कब किया था? 1930 में किया था। इन 1930 व्हेन नील प्रपोज दैट प्लांट स्प्लिट, प्लांट स्प्लिट वाटर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, H2O to release oxygen as byproduct. The Van Niel idea was proved true by, तो Van Niel का आइडिया किसने प्रूव किया था ट्रू? सो हिल ने फिर ये किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। इन 1937 द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किस चीज में होता है, कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है वो ग्रेना में होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन का पूछ रहे तो वो आपके पास फिर स्ट्रोमा में होता है। हाउ मेनी फोटो सिस्टम आर देयर, कितने फोटो सिस्टम है आपके पास? तो हम दो पढ़ते हैं ना, टू, P680 और P700, तो 240 सिस्टम। द फोटो सिस्टम वन ऑब्जर्व, फोटो सिस्टम वन कौन सी लाइट ऑब्जर्व करता है? तो फोटो सिस्टम वन 700 नैनोमीटर, ठीक है। फोटो सिस्टम टू का पूछ रहे तो वो 680 नैनोमीटर की करता है। वट आर द टू मेन पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम के टू मेन पार्ट एंटीना कम्प्लेक्स है एंड रिएक्शन सेंटर है, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। इन द नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, लाइट फर्स्ट स्ट्राइक, तो पहले किस चीज पे स्ट्राइक करती है? फोटो सिस्टम पे, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है।
ओके, तो फिर आपके पास 29 है, कौन सा फोटोसिस्टम, स्ट्राइक फोटोसिस्टम 2 होता है नॉन साइक्लिक में, ठीक है। और 29 है कि द क्लोरोफिल लॉसेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 एंड आर अब्सॉर्ब बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कार्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज प्लास्टोक्विनीन PQ, ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1, तो फोटोसिस्टम 2 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, प्लास्टोक्विनीन है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है साइटोक्रोम BF और कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन है लास्ट में, प्लास्टोसायनिन के बाद फिर क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है। तो अभी कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं कि फोटोसिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी के बाद प्लास्टोक्विनीन, उसके बाद साइटोक्रोम BC और F कॉम्प्लेक्स होता है, फिर प्लास्टोसायनिन है। 30 है आपके पास के व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहिए तो होगा। 31 है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही नॉन साइक्लिक में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास कौन होता है, NADP, ठीक है। और द ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, कब ATP कब बनता है, जब ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से जब गुजरते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये 12 होते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, 12 नॉन साइक्लिक रिएक्शन, क्योंकि एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन में एक NADP बनता है ना, तो 12 NADP जरूरत होते हैं एक ग्लूकोज के लिए, तो दैट्स व्हाई 12 पर ये हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वो भी सिंपली 12 ही होंगे, ठीक है, एक के साथ एक बनता है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड पर नॉन साइक्लिक रिएक्शन, अब ये स्पेसिफिकली मुख्तलिफ, उसमें मुख्तलिफ है, ठीक है, मतलब हम ये लिखते हैं ना, टू वाटर जब जाते हैं ना, टू वाटर से आपके पास 3 ATP आते हैं, ठीक है। टू वाटर मॉलिक्यूल जब जाएंगे, अब हम तो उधर एक एक वाटर पढ़ते हैं, अब एक के लिए तो फिर फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह MCQ ज्यादातर आते नहीं है, बट ये याद कर ले कि टू वाटर मॉलिक्यूल जब जाएंगे ना नॉन साइक्लिक में, तो वो 3 ATP देते हैं। अब आपको कह दे कि 6 वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी 6 है ना, तो फिर तो 9 ATP हो जाएंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल है तो 18 ATP हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ 35 पे रोकते हैं, इसके आगे जो फिर MCQ होंगे वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।